सर फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना, फोर्स अप्लाइड बाय ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी, ए बी को कितना से धक्का देगा। जैसे ए ब्लॉक यहां रखा हुआ है, इसके सामने बी ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है? ओके सर। सर सॉल्व करवा दीजिए। इसमें क्या है, सबसे पहले सारे फोर्सेस देखते हैं कहां पर कितने कितने फोर्सेस लग रहे हैं। तो यहां देखो, ये 20g से नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा, 20g
मास 20 है तो नीचे की तरफ फोर्स करेगा 20 स्ट्रिंग उसको ऊपर खींचने का कोशिश करेगा टी यहाँ पे टी यहाँ टी यहाँ टी ठीक है अब ये इधर यहाँ एक्सेलरेशन ये अगर ये से ये नीचे जाने की कोशिश करेगा ये से ये नीचे जाने की कोशिश करेगा ये भी ये एक्सेलरेशन से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा ठीक है अब ये हो गया दो ब्लॉक है एक ब्लॉक इसको धक्का दे आगे की तरफ तो ये भी इसको पीछे की तरफ देगा तो ये ब्लॉक पीछे वाला ब्लॉक इसको नॉर्मल रिएक्शन एन देगा जिसकी हेल्प से आगे की तरफ जाएगा तो भाई आगे वाला भी ब्लॉक इसको पीछे की तरफ फेंक देगा नॉर्मल रिएक्शन एन अब हमें टेंशन फाइंड कर नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना और टेंशन फाइंड करना तो हम सबसे पहले क्या करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं सबका और फोर्सेस का इक्वेशन लिखेंगे तो यहां पर हम पहले ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं ए है ए के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं ए के ऊपर देखो एक फोर्स लग रहा है टेंशन ए के ऊपर एक फोर्स लग रहा है टेंशन और उसको पीछे की तरफ फोर्स कितना मिल रहा है नॉर्मल रिएक्शन एन ठीक है और ये हो गया एक्सेलरेशन ठीक है यहाँ तक हो गया इसका मास क्या है 10 केजी तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन तो टेंशन इसे आगे की तरफ खींचने का कोशिश कर रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन पीछे की तरफ e इनटू e माइनस l इक्वल टू क्या होगा 10 के इक्वेशन 1 ठीक है अब हम उसी तरह से b ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे b का देखो ये b ब्लॉक है तो B के ऊपर कौन सा AB फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन टाइम और एक एक्सेलरेशन कितना हो गया A तो यहां पर क्या लिखेंगे L इक्वल टू क्या हो गया 5b इक्वेशन 2 n इज इक्वल टू 5b इक्वेशन 2 हो गया ठीक है पढ़ती है जी इसमें ये करते हैं यहाँ पर टेंशन भी लग रहा है यहाँ पर 20 की यहाँ एक्सीलरेशन के हो गया तो यहाँ पर क्या लिखेंगे ट्वेंटी जी माइनस की जो पर 20 की अब इन तीनों इक्वेशन को ऐड अप करते हैं ठीक है इन तीनों इक्वेशन को अब देखो यहाँ पर तीनों बॉडी का इक्वेशन हमने लिख दिया कि जिसके ऊपर क्या फोर्स लग रहा है क्या मोशन हो रहा है अब हमें क्या करना है अब हमें नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन फाइंड करना है तो हमारे पास क्या है तीन अननोन है और तीन इक्वेशन है कौन कौन से अननोन है टेंशन नॉर्मल रिएक्शन और एक्सेलरेशन ये तीन अननोन है हमारे पास तीन इक्वेशन भी है तो हम क्या करेंगे इन तीनों को इक्वेशन 1+2+3 इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा t माइनस n इक्वल टू 10k दूसरा क्या हो गया n इक्वल टू 5k और तीसरा क्या होगा 20g माइनस t इक्वल टू 20k ठीक है तो यहाँ पर तीनों को ऐड करते हैं t से t कैंसिल n से n कैंसिल तो 20g इक्वल टू कितना हो जाएगा 35k तो एक्सीलरेशन इक्वल टू कितना हो गया 20/10 35 तो इतना यहाँ पर कितना हो गया 40/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो हमारा एक्सेलरेशन क्या आ गया
40/7 meter per second square. जब एक्सीलरेशन 40/7 आ गया तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन कितना आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन टू, इक्वेशन टू से n इक्वल टू कितना हो गया 5 k. तो यहाँ पर 5 × 40/7 तो कितना हो गया 200/7 newton. ठीक है, 200/7 newton. और क्या हमें नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पता चल चुका, टेंशन हमें फाइंड करना है. तो फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन से हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिखते हैं टेंशन इक्वल टू क्या लिखेंगे n प्लस 10 k. तो t इक्वल टू n कितना है 200/7, 10 k कितना है 400/7, तो कितना हो गया 600/7 meter. ठीक है, ये हो गया लॉकडाउन. हमने पहले बता चुके थे कि ए से गया तो ये ब्लॉक कितने से आएगा 2a से. यहाँ पर फोर्स लगा 20 g, यहाँ पर टेंशन क्या है t, यहाँ भी t, यहाँ पर भी t. तो t और t क्या हो जाएगा, यहाँ पर फोर्स लग जाएगा 2t, यहाँ पर भी 2t, यानी इधर 2t लगते चलेगा पूरा स्क्रीन में. यहाँ क्या हो जाएगा 2t. जैसे एक सिंगल स्क्रीन है इसमें टी ही लगा हर जगह पर, यहाँ पर कितना लग गया इसके टी नहीं चल गया, टी टी कितना हो जाएगा 2t. तो 2t पूरे लगते चले गए, यहाँ पर कितना फोर्स लग गया 2t. ठीक है, अब फोर्सेस देखेंगे इस पॉइंट के ऊपर. ये है मास है तो इसका फोर्स कितना लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10g. 10g लगेगा, mg नीचे कितना. लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमें फोर्स चाहिए अलोंग द मोशन. मोशन के अलोंग फोर्स क्या, एक फोर्स को किस डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे अलोंग द मोशन और दूसरे फोर्स को किस डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे परपेंडिकुलर टू द मोशन. परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये एंगल 30 degree, ये 90 minus 30, ये एंगल क्या हो जाएगा 30 degree. तो यहाँ पर इधर कंपोनेंट आ जाएगा 10g cos 30 और इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा 10g sin 30. ठीक है, अब देखो अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं सबका. फ्री बॉडी डायग्राम जब हम बनाने के लिए जाएंगे तो पहले ए का बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम. ये देखो ये एंगल है ये 30 degree, इसका इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं. देखो अलोंग द मोशन का ये देखेंगे, इधर अलोंग द मोशन का अपोजिट डायरेक्शन में इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, इधर इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर कितना लग रहा है 10g sin 30. 10g sin 30 ऊपर की तरफ कितना लग रहा है 50. ऊपर की तरफ कितना लग रहा है 20. ठीक है, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है जो किसी काम का नहीं है 10g cos 30 और नॉर्मल रिएक्शन लगेगा जो किसी मतलब का नहीं है, इस फोर्स का कोई मतलब नहीं है. और इसका एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन कितना है 1. तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन हम लिखते हैं, इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 2t अलोंग द मोशन. अलोंग द मोशन कितना फोर्स है 2t, अपोजिट में कितना लग रहा है 10g sin 30. 2t माइनस 10g sin 30, sin 30 की वैल्यू चलो आगे 10g sin 30 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन. इसका मास कितना है 10 के जो एक्सीलरेशन की, तो ये कितना लिख दिया आपने 10 के. इक्वेशन 1. ठीक है, कोई प्रॉब्लम है यहां तक समझ में आया? यस सर. चलिए हम आगे देखते हैं बी ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं. ब्लॉक बी, ब्लॉक बी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ कितना लग रहा है 20g और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है 3 और एक्सीलरेशन कितना हो रहा है 2a. तो डायरेक्ट लिखेंगे 20g माइनस t इक्वल टू
20 मास इनटू एक्सीलरेशन क्या होगा 2a इक्वेशन 2 ठीक है यहां तक हो गया यहां तक हम लिख सकते हैं 2t माइनस अब क्या करना है हमने इसे सॉल्व करना है हमें एक्सीलरेशन फाइंड करना है तो एक्सीलरेशन फाइंड करने के लिए जाएंगे हमें एक t को हटाना पड़ेगा तो यहां 2t है यहां पे 2t हो जाएगा तो अपना काम हो जाएगा तो हम यहां पे लिख सकते हैं 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करेंगे ऐड करते हैं तो 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे यह इक्वेशन 1 लिखते हैं 2t माइनस 10 की sin 30 sin 30 की वैल्यू 1/2 तो ये कितना होगा 10g * 1/2 ये 5g = क्या होगा 10 पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या हो जाएगा 20g * 2 40g t तो क्या हो जाएगा 2t = कितना हो गया 20 48 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो जाएगा 50 तो यहां पर हम दोनों को ऐड करेंगे 2t 2t कैंसिल हो गया 40g माइनस 5g तो कितना हो गया 35g = 98 35g = कितना आ जाएगा 98 यहां तक समझ में आ रहा है तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई जगह बच रहा है हां तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई a = कितना आ गया 35g / 90 ये आ गया 35g / 90 अब देखो ब्लॉक a का एक्सीलरेशन a है और ब्लॉक b का एक्सीलरेशन क्या है 2a यहां पर लिख सकते हैं इसके बाद लिखेगा एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक a इक्वल टू a माने 35g / 90 और एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक b इक्वल टू 2a माने 70g / 90 चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको समझे नोट डाउन कीजिए इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने इसे लिख दिया l2 sin theta is equal to 2m into a इक्वेशन 1 ठीक है a यानी a के कैंसिल ठीक है अब हम यहां पर लिखते हैं बॉडी 2 का इसका फ्री बॉडी डायग्राम को बनाने का कोशिश करते हैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम b का सर bd ऑफ b B का बनाने के लिए जाएंगे तो नीचे की तरफ कितना लगेगा नीचे की तरफ mg लग रहा है ठीक है यहां पर क्या लग रहा है n2 किसे रिजॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा थीटा ये भी एंगल थीटा तो ये एंगल यहाँ थीटा हो जाएगा तो ऊपर की तरफ क्या लगेगा n2 cos थीटा n2 sin थीटा और ये नीचे किससे आ रहा है ab से तो इसका इक्वेशन हम लिख सकते हैं mg माइनस n2 cos theta is equal to m into ab equation 2 so ab is equal to हम क्या लिख सकते हैं a tan theta mg minus n2 cos theta is equal to m into a tan theta ठीक है a tan theta यहां तक समझ में आ रहा और दूसरी बात में हम n2 को लिख सकते हैं 2m a यहां पर हम क्या लिख सकते हैं इस इक्वेशन से m को लिख सकते हैं 2m a by sin थीटा ठीक है यहां पर लिख देते हैं mg इसकी वैल्यू यहां पुट कर देते हैं mg minus n2 की वैल्यू लिखते हैं 2m a by sin थीटा into cos थीटा is equal to m a a tan थीटा यहां से सब में से m कैंसिल हो जाएगा इस cos थीटा को sin थीटा cot थीटा हो जाएगा इधर लिख देंगे g इक्वल टू इसको इधर ले आते हैं a a tan थीटा प्लस इधर आ जाएगा 2 a a cot थीटा यहां से आ गया एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक a आ गया g अपॉन tan थीटा प्लस
एक्सीलरेशन आ गया, हमसे क्या पूछा गया है, ब्लॉक बी का एक्सीलरेशन पूछा गया है, तो ब्लॉक बी का एक्सीलरेशन हम सिंपली यहाँ पर लिख देंगे a into tan theta। चलिए ये हो गया आपका सॉल्यूशन इसका, ठीक है। तो यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए आराम से, ठीक है।